कलयुग है बेटा कलयुग। क्या हुआ क्या भाई? सोचा इस साल का वैलेंटाइन सुख शांति से चला जाएगा, मुझे अपनी नाक बीच में घुसेड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन लेकिन जैसे ही मैं सुबह उठकर देखता हूँ, मेरा पूरा कमेंट सेक्शन प्रिया प्रकाश वॉरियर से भरा पड़ा है। मैं सोचने लगा ये कौन सा नया वॉरियर घुसाया यूट्यूब में। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? बाद में पता चला ये तो वॉरियर नहीं है जिसने दुनिया के सारे सिंगल लौंडों के दिल पर आंखों से तलवार चला दी। मैंने आज तक इतनी चालक लौंडियां अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। इसने एन वैलेंटाइन के मौके पर दुनिया के सारे सिंगल लौंडों के सोए हुए अरमान जगा दिए। हाँ सही पकड़े, मैं उसी अरमान की बात कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने कमेंट्स पढ़े, मैंने यूट्यूब पे प्रिया प्रकाश वॉरियर सर्च मारा। सोचा कुछ तो माल मसाला दिखाया होगा जो इतनी सारी पब्लिक इसके पीछे पागल हुई पड़ी है। मैं अपना जेल और टिश्यू पेपर लेके ही बैठा था, ना मुझे माल मिला ना मसाला। ये तो आंख दिखाती है मादर जा। भाई कंट्रोल, भाई कंट्रोल। नहीं क्या है क्या ये द रॉक की बेटी है क्या जो बार बार आईब्रो उठा रही है? इसने सिर्फ आईब्रो उठा के पूरी मर्द जात के अरमान उठा दिए। फेसबुक खोला इसके मेमे, इंस्टा खोला इसके मेमे, ट्विटर खोला इसके मेमे, रूम का दरवाजा खोला यही बकरी मेमे करके अंदर घुस गई। अबे मेमे नहीं, मीम होता है वो। साला स्पेलिंग तो यमी यमी रखा है, तो फिर मीम कहाँ से हुआ भोपाड़ी के? पूरा 50 मार्क्स लेकर अंग्रेजी पास किया है मैंने। कुछ भी करने का, मेरे अंग्रेजी का ईगो हट नहीं करने का। हाँ तो कहा था मैं प्रकाश वॉरियर। हाँ तो ओम प्रकाश मिश्रा आग दिखाकर वॉरियर बन गया। भाई प्रिया प्रकाश वॉरियर। ये कौन है जो आग दिखाती है? तो ओम प्रकाश का क्या? अरे भाई आप प्रिया प्रकाश के बारे में बात कर। हाँ तो मुझे पता नहीं चल रहा इस कल की सन की लौंडिया को इतना भाव कैसे मिल रहा है। यहाँ चाय के साथ खाने को नहीं मिल रहा पाव, और इसको मिल रहा है फोकट का भाव। टॉमी जा बेटा चाओ क्या, और आप सब्सक्राइब किए बगैर मत जाओ। I have you now.